गुरुवार को महिलाओं ने निरोगी काया और पति की दीर्घायु के लिए शीतला सप्तमी का व्रत रखकर शीतला माता की पूजा अर्चना की। इसके चलते नगर में सुबह से ही चहल पहल बनी रही। शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए दिन भर महिलाओं की भीड़ लगी रही। महिलाओं और परिजनों ने पारंपरिक रूप से ठंडा भोजन का प्रसाद ग्रहण किया। रात को ही भोजन सामग्री बना ली जाती है। इसका कारण यह है कि सप्तमी के दिन गर्म भोजन नहीं किया जाता है। मंदिरों में अधिक भीड़ होने के कारण पूजन करने के लिए महिलाओं को काफी इंतजार करना पड़ा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से ही लोग ठंडे जल से स्नान करना, शीतलता युक्त पदार्थों का सेवन करना प्रारंभ कर देते हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ठंडा खाते हैं, ठंडा पीते हैं, ठंडा नहाते हैं। ये बच्चों के लिए की जाती है, ये बच्चों के लिए, ये माता जी बच्चों की है, ये बच्चों के लिए किया जाता है। क्या होली के कितने दिन बाद? होली के दो दिन बाद आती है, ये सप्तमी है, रंग पंचमी के दो दिन बाद। किस तरह पूजा करते हैं? इसे अपन ने पूजा करना पड़ता है, ठंडा बनाना पड़ता है, ठंडा खाते हैं, ठंडा पीते हैं, और इसमें गर्म का उपयोग ना करते, सिर्फ ठंडा ही खाते हैं। किस तरह कामना की जाए? अगरबत्ती दीपक नहीं लगते हैं, बिल्कुल ठंडा ही रहता है। क्या नाम है आपका? निशा गुप्ता। वो है शीतला सप्तमी, संतान सप्तमी है और साल में दो बार आती है। एक बार ये भादो के महीने में आती है श्रावण के बाद, और ये दूसरी चैत महीने में आती है होली के दहन के बाद में। ये सप्तमी मनाती है भाई बहन और रात को ठंडा भोजन बनाती है और अपने बच्चों के लिए सुख शांति और पति की उम्र के लिए मनोकामना करती है कि हमारे घर में कोई आवेश में आवे, सब ठंडा खाए और ठंडा बोले और अच्छा रहे, इसलिए पूरे घर में सुख शांति बनी रहे। इसीलिए साल में दो पर्व आते हैं, संतान सप्तमी और ये भानु सप्तमी के नाम से है। दोनों में भाइयाँ बड़ी रुचि से ठंडा भोजन बनाती है और माता जी को ठंडा भोग लगाती है और दिन भर ठंडा खाती है। सब परिवार ठंडा बोले, ठंडा रहे, ठंडा बोले और आवेश में आए, इसलिए ये दोनों मनोरथ साल में माता जी के आते हैं। क्या नाम लिखते हैं? चंद्रप्रकाश दीक्षित। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।